ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कजली तीज की पौराणिक व्रत कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है, धन धान्य की कमी नहीं होती है, सुख संपन्नता आती है। इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कब है ये व्रत, क्या नियम है, ये सब कुछ हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। पिछला वीडियो आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जरूर देख लीजिए जो ये वीडियो हमने अपलोड किया, क्योंकि उसमें व्रत करने की विधि बताया है हमने, नियम बताया है हमने। डेट तो आप जान लीजिए, 6 अगस्त को इस बार बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन है कजली तीज। इस वीडियो में हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए कजली तीज की कथा सुनते हैं, और पूर्ण जानकारी के लिए व्रत मुहूर्त और विधि के लिए क्या क्या सामग्री लगती है आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, और कमेंट में जरूर लिखिए कजली माता की या फिर निमड़ी माता की जय, कमेंट में जरूर लिखें। आइए कथा सुनते हैं। कजली तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई, ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से उन्होंने कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने के सत्तू लेकर के आप आइए। ब्राह्मण बोले, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी कीजिए, डांका डालिए, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर के आपको आना होगा, लेकर के आइए। रात का समय था, ब्राह्मण घर से निकले और साहूकार की दुकान में जाकर के घुस गए। उन्होंने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर के 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया और जाने लगे। आवाज सुनकर के दुकानदार के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आए और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोले, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बना करके ले जा रहा था। साहूकार ने उनकी तलाशी ली, उन्होंने देखा कि सातू के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। चांद निकल आया था, ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से आपकी पत्नी को मैं अपनी बहन मानूंगा, क्योंकि आपके पास अभाव था और इस वजह से आप परेशान थे, इसलिए ये कदम आपको उठाना पड़ा, तो मैं आपको सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लक्षा और बहुत सारा धन दे करके भेजता हूँ, ताकि व्रत को अच्छे से कीजिए। आपकी पत्नी हमारी धर्म बहन हुई, सबने मिलकर के कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन फिर गए, वैसे ही सबके दिन फिरे, कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। कजली माता का जो भी व्रत करते हैं नियम के साथ, उनके जीवन में कभी भी कमी नहीं आती है, कष्ट नहीं आता है, परेशानी नहीं होती है, जीवन धन धान्य से, खुशी से और प्रेम से भर जाता है। तो बोलिए प्रेम से एक बार कजली माता की जय, निमड़ी माता की जय, कमेंट में भी जरूर लिखिए, और ये भी लिखिए कि आपके एरिया में किस ढंग से कजली व्रत मनाया जाता है, आपके एरिए का खास नियम क्या है और कौन से एरिए से आप SMS कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं, इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से कमेंट में लिखते चलें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।